तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला शो है। ये शो कई सालों से ऑडियंस को एंटरटेन करता आ रहा है। इस शो ने अब तक कई लोगों की जिंदगी में खुशियां भरी हैं। वहीं दूसरी ओर बीते कुछ वक्त से इस शो का नाम लगातार कॉन्ट्रोवर्सी में बना हुआ है। एक एक कर पहले कई कलाकारों ने ये शो छोड़ दिया और अब कई लोगों ने शो के मेकर्स पर संगीन आरोप लगाए हैं। जब जेनिफर मिस्त्री ने आसित कुमार मोदी और बाकी दो लोगों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, तब से वो और शो के मेकर्स लाइमलाइट में बने हुए हैं। वहीं अब अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में जेनिफर ने नया खुलासा कर दिया है। उन्होंने रिवील किया कि सिर्फ बड़े एक्टर्स ही नहीं बल्कि शो के चाइल्ड आर्टिस्ट को भी सेट पर प्रताड़ित किया गया था। टप्पू सेना में टप्पू यानी भव्या गांधी, पिंकू का किरदार निभाने वाले झील मेहता, गोगी का रोल करने वाले समय शाह, गोली प्ले करने वाले कुश्या और पीकू यानी अजहर शेख भी मेकर्स द्वारा टॉर्चर हुए हैं। जेनिफर ने खुलासा किया कि टप्पू सेना को सुबह एग्जाम देने के बावजूद रात को काम करने के लिए कहा जाता था। जेनिफर ने आगे ये भी कहा कि ऐसा भी हुआ है जब ये बच्चे सेट से सीधे एग्जाम हॉल गए हों। हालांकि बच्चों को इन सब की आदत पड़ चुकी थी और उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होती थी। जेनिफर ने कहा, उनका मुद्दा क्या होता था, मेन पढ़ाई का कभी एडजस्ट किया जाता था, पर मुझे मालूम है कि कभी कभी बच्चों को बहुत परेशान किया जाता था। एग्जाम के दौरान जैसे हमारी नाइट शिफ्ट होती थी तो बच्चे बेचारे नाइट शिफ्ट में नाइट शूट भी कर रहे हैं, बैठक में बेचारे पढ़ रहे हैं और सुबह 7 बजे उनके एग्जाम भी हैं, तो उसके लिए कितनी बार बेचारे बच्चे लोग डायरेक्ट सेट से एग्जाम देने गए हैं। बच्चों ने तो बहुत सेक्रीफाइस किया है। वेल, हमारे आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिका जैन, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।